पाकिस्तान का इस वक्त बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है और पाकिस्तान का हर शहरी 90 लाख का मकरूज है। एक तरफ IMF और दूसरे मालियाती इदारों के कर्जे हैं, दूसरी तरफ चाइना और खलीजी ममालिक सऊदी अरब के कर्जे हैं, तीसरी तरफ तमाम बैंकों वगैरह से और पावर सेक्टर के लिए हुए कर्जे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क का एक तबका ऐसा है जो मलका बरतानिया और उनके अहलो आयाल से भी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। सरगोधा डिवीजन का कमिश्नर आज भी 104 किनाल के एक वसीओ अरीज बंगले में मुकीम है, जिसकी मेंटेनेंस के लिए इस मुल्क की टैक्स के पैसों से 33 मुलाजिमीन रखे गए हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक गरीब मुल्क जो इस वक्त डिफॉल्ट करने के करीब है, उसकी ब्यूरोक्रेसी इस अयाशी की मुतहम्मिल हो सकती है कि 21 ग्रेड का एक ऑफिसर, जी हाँ 21 ग्रेड का एक ऑफिसर जो 104 किनाल अराजी के एक घर में मुकीम है और 33 मुलाजिमीन उसकी खिदमत पर मामूर है और उसकी घर की मेंटेनेंस कर रहे हैं। ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। पंजाब के अगर आप आला अफसरान की लिस्ट उठा ले तो 2018 के बजट रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के सिर्फ 8 अफसरान की सरकारी रहायशगाहों की तज़ीन और आरइश पर हुकूमत पाकिस्तान के 14 अरब रुपए खर्च होते थे। आप जाइए अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, अपने डिविजनल के IGs, RPOs, डिप्टी कमिश्नरान, विंग कमांडर्स और जज साहिबान की रिहाइश गाहें देख लीजिए, उनकी सहूलियात चेक कर लीजिए। आपको यकीन नहीं आएगा कि डिफॉल्ट करता हुआ एक मुल्क जो एक एक पाई के लिए दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहा है, उसकी अशराफिया कितनी बेरहमी से इन सरकारी वसाइल पर काबिज है और सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। अगर मुल्क क्राइसिस का शिकार है तो ये पत्थर सिर्फ अवाम ने पेट पर बांधना है? क्या सिर्फ गरीब की रोजी ही कटनी है? क्या IMF को यही नजर आता है? क्या IMF और हमारी मुल्क की अशराफिया को ये नहीं नजर आता कि हमारी मुल्क की अशराफिया UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 17 अरब डॉलर मराद की मद में कहा जाती है? उन्होंने अपने आप को टैक्स एग्जम्पशन दी हुई हैं, अपने आप को आला तरीन आसाइशें दी हुई हैं, उनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उनके जानवर भी पाकिस्तानी आम शहरी से बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अगर आवाज नहीं बुलंद कर सकते, स्ट्रीटों पे नहीं निकल सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, तो कम अज कम सोशल मीडिया पर तो उनको एक्सपोज कर सकते हैं। सोचने की बात है।